हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, सेक्सोलॉजिस्ट और एडी एडिक्शन स्पेशलिस्ट तथा कोच हूँ। होता क्या है कि लोग अपने काम के ऊपर प्यार करते नहीं। काम यानी 90% लोग काम पर इसलिए जाते हैं कि उनको पैसा कमाना है और घर चलाने का है। रोज सवेरे जब वो उठते हैं तो बड़ी मुश्किल से कि चलो भाई आज अभी चलो एक दिन निकल गया, अब उठो और काम को लग जाओ, इसलिए लोग उठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ताकत से, एकदम एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक अपने बेड से उठेंगे और काम को लगेंगे, चलो यार आज का दिन तो है ना बहुत जबरदस्त रहेगा और मैं आज है ना ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा लोगों को, ऐसा लोग तो बिल्कुल उठते नहीं है। क्योंकि लोग अपने काम के ऊपर प्यार करते नहीं। वो अपना जो पैशन है खुद का, वो पैशन को उन्होंने अपना काम बना नहीं लिया। तो देर इज मतलब उनका जो वर्क है, उनका जो काम है, वो प्ले नहीं है। जैसा हम NLP में हरदम बोलते हैं कि वर्क इज प्ले, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पक्का बैठा हुआ है, उनके अंतर्मन में इतना पक्का बैठा हुआ है कि भाई ये जो काम है ना मजबूरन करना पड़ रहा है। उनका बिलीफ इतना पक्का अंदर बैठा हुआ है कि नहीं वो तो बस, और पैसा तभी दिन निकालने का, मतलब सर्वाइवल मोड में हर व्यक्ति है। स्पेशली डिप्रेशन में तो ये होता ही है। डिप्रेशन में जब लोग उठते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम है कि सुबह एकदम बेकार, उनका शब्द ऐसा रहता है कि बेकार लगता है, गमता नहीं है, उदास लगता है सुबह, ऐसा उनको लगता है। और फिर सुबह जब उठते हैं तो इतना सारा पास हमारे कंधों के ऊपर है और पास की इतनी सारी बातें जो चालू रहती है, मतलब जो अंदर का अंतर मन में जो आवाज चालू रहती है और वो आवाज काफी सारी बातें पास की बोलती रहती है, वो कुछ ना कुछ चालू हो जाता है मतलब सुबह उठने के बाद में, और फिर आदमी काम चालू कर देता है। यदि हम ऐसा करते हैं कि पास जो होगा ना, अतीत जो होगा ना, वो अतीत हो गया, आज का दिन जो है ना वो दिन मेरा पहला दिन है, ये जिंदगी का आज का मेरा पेहला दिन है, ऐसा समझ कर मेरे उठते हैं और ऐसा समझ कर लोगों से व्यवहार करते हैं कि मैं किसी को पहली बार मिल रहा हूँ, कोई अतीत नहीं ला रहा हूँ बीच में, आज का मेरा पहला दिन है। तो जैसा आज का पहला ही दिन है, और पहला दिन को हम क्या बोलते हैं कि हमारा बर्थडे है, जब ये दुनिया में जब हम आए और वो जो दिन पहला था उसको मनाते हर साल हैप्पी बर्थडे करके, तो रोज हम हमारे बेड से उठते हैं, उठने के बाद में बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू माई सेल्फ, और रोज हैप्पी बर्थडे करके उठते हैं, रोज मेरा आज का दिन जो है ना वो पहला दिन है, यहाँ से उठते हैं। और ना ओनली पहला दिन, मतलब ना सिर्फ पहला दिन, आज का पहला दिन है और आखिरी का दिन है, और वहां से हम जीते हैं कि आज का मेरा पहला और आखिरी का दिन है दुनिया का, तो देखो कैसा मजा आएगा जीने में। क्योंकि हमको मालूम है कि हमको भी आज का आखिरी का दिन है ना, बहुत सारे जो बातें हैं, झंझट, झगड़ा, स्ट्रेस, तान, तनाव, तो हम बाजू में रखेंगे, बोले यार आज का तो आखिरी का दिन है, मजा कर लो, आज का तो पहला दिन है, अतीत का कुछ लाने का है नहीं। तो जियो ऐसा कि आज का पहला और आखिरी का दिन है। प्लान तो ऐसा करो कि मुझे 100 साल जीने का है, तो प्लान ऐसा करो कि मुझे 100 साल जीने का है, 100 साल का प्लान बनाओ। जीना ऐसा है कि आज का पहला और आखिरी का दिन है, सो रोज हैप्पी बर्थडे मनाओ, खुद को हैप्पी बर्थडे बोलो, लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलो, और जैसा हैप्पी बर्थडे के ऊपर एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहते हैं वैसा प्रोग्रामिंग बार 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 यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड को करेंगे ना, अंतर मन को, तो यह संभव है। इसके लिए मैं हरदम बोलता हूँ कि रोज सुबह उठ के स्व सम्मोहन का सेशन करो, हिप्नोसिस का सेशन करो, 5 से 7 मिनट यदि आप खुद को हिप्नोटाइज करते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज खुद को करके, स्व सम्मोहन करके रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैमर करते हैं कि नहीं आज का मेरा पहला और आखिरी का दिन है, मेरे को प्लान 100 साल का करने का है, और मैं आज का दिन बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक ऐसा मैं बिताऊंगा, ऐसा यदि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो रोज सुबह उठ के मैं सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, स्व सम्मोहन कर रहा हूँ और खुद को ये सबकॉन्शियस माइंड को हैमर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरी आदत बन जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग वैसा हो जाएगा, और देखो जीने में कैसा मजा आएगा। हम चाहते हैं कि रोज हर व्यक्ति यदि सुबह उठ के बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक बन के काम करता है ना, देखो उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा ऐसा विचार है, मेरी ऐसी कल्पना है कि भाई हर एक व्यक्ति यदि रोज ऐसा उठता है तो देखो हमारा देश कितना आगे बढ़ जाएगा।
ये सब लोगों ने करना चाहिए, इसलिए आप तो करो ही करो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, और बाकी लोगों को भी ये शेयर करो, ताकि रोज ऐसा लोग उठेंगे लोग और रोज काम को लगेंगे ना, देखो काम में कितनी मजा आएंगी और हम कितना कितना बड़ा काम रोज कर सकेंगे, जीने में देखो कितना मजा आएगा। और डिप्रेशन तो है ना आपके आसपास में आजू बाजू में आएगा भी नहीं, टेंशन एंग्जाइटी तो बिल्कुल ही आएगी नहीं, तो ये काम करो और मजे करो। डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आप, आपका कमेंट जो है वो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में डालो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें लिखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और एक एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक बड़ा इंडिया, बहुत बड़ा हमारा देश दुनिया में कैसा बनेगा, इसके लिए आप कंट्रीब्यूट करो ये वीडियो शेयर करके। थैंक यू वेरी मच।